swayam prabha digital india educated india सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय है जिसमें हम लोग व्याख्यान देने जा रहे हैं इस विषय का नाम है प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक विधि को 10 मॉड्यूल में हम लोगों ने डिवाइड किया है फॉर आवर कन्वीनियंस इसमें से दो मॉड्यूल हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है तो इसके पहले कि ये वाला कौन मॉड्यूल है इसके बारे में क्या बात करेंगे मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और मैं न्यायिक अधिकारी भी था कुछ समय के लिए तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अब ये जो विषय है जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये है प्रशासनिक विधि तो प्रशासनिक विधि को हम लोगों ने दस भाग में बांटा हुआ है और दो लेक्चर पे चर्चा मॉर्निंग में हम लोगों ने किया था पहला जो लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन था जिसमें अर्थ था संकल्पना थी और जिसमें हम लोगों ने देखा था इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ और ये हिस्टोरिक डेवलपमेंट इसका कैसे था इंग्लैंड में अमेरिका में फ्रांस में और भारत में इसका विकास कैसे हुआ हम लोगों ने प्राचीन भारत में भी देखा था कि प्रासनिक विधि के क्या उपबंध थे और क्या नियम थे भले वो प्रशासनिक विधि के नाम से न रहे हों लेकिन हमारे पास प्राचीन भारत में भी ये सारे चीज़ थे तो ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था दूसरे में हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ की बात किया था विधि का शासन होना चाहिए व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति का शासन होगा तो एनार्की होगी विधि का शासन होगा तो सम्यक विधि प्रक्रिया फॉलो होगी इसलिए विधि का शासन जिसका प्रोपाउंडर प्रोफेसर ए वी डायसी है ग्रेट ब्रिटेन के और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही सम्यक तरीके से बताया है जिसको हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में देखा था तो ये जो तीसरा लेक्चर है हमारा ये प्रशासनिक विधि के थर्ड मॉड्यूल की बात करता है जिसमें हम लोग शक्ति पृथककरण के सिद्धांत की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तो अगर स्लाइड में आप देखें तो उस टॉपिक का नाम मैंने लिखा हुआ है देखिए आप इसको एक बार विषय तीन शक्ति पृथककरण का सिद्धांत इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इसको बोलते हैं शक्ति पृथककरण का सिद्धांत तो शक्तियों में अलगाव होना चाहिए किसी एक व्यक्ति में सारी शक्तियाँ निहित नहीं होना चाहिए ये कहने का मतलब है तो ये टॉपिक इस चीज़ की बात करता है क्योंकि जब किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को अगर सारे पावर आप दे देंगे चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो चाहे लेजिस्लेटिव पावर है चाहे जुडिशियल पावर है तो कैसा हो जाएगा वो बहुत ही एनार्कियल हो जाएगा क्योंकि पावर करप्टलूट पावर करप्ट एप्सलूटली ये बड़ा सेलिब्रेटेड मैग्जिम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कि पावर जो है शक्ति जो है वह व्यक्ति को करप्ट बना देती है और अगर अत्यंतिक शक्ति प्रदान की जाए तो अत्यंतिक करप्शन आ जाता है तो इसलिए प्रशासनिक विदेश का ध्यान रखती है और ये कहती है कि नहीं सबको अलग अलग पावर दिया जाना चाहिए हर एक निकाय में अलग अलग व्यक्ति बैठे हों और अलग अलग दायरे में काम करें तो शक्ति पृथककरण का सिद्धांत इसी पे बेस्ड है किसी भी राज्य की संकल्पना को अगर आप देखेंगे जैसे भारत में ही देखेंगे तो हमारे पास तीन आर्गन है एक को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव दूसरे को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर और तीसरे को बोलते हैं जुडिशियरी तो ये तीन आर्गन है हमारे पास अब एग्जीक्यूटिव में जो बैठा होगा उसको लेजिस्लेचर में नहीं बैठना चाहिए शक्ति प्रथिकरण का सिद्धांत यही बात सेपरेशन ऑफ पावर यही बात बता रहा है जो लेजिस्लेचर में बैठा है वो जुडिशियरी में नहीं बैठना चाहिए तो मैंने हर आर्गन के लोग जो हैं वो अपने अपने आर्गन में रहें और उनका अपना जो काम है वो अपने काम को करते रहें तो सेपरेशन ऑफ पावर इसी चीज़ को इनविसेज करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बड़ा फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान आपको मिलेगा जिसमें सेपरेशन ऑफ़ पावर देखने को मिलेगा भारत में तमाम जुडिशियल डिसीजंस मिलेंगे जिसकी चर्चा हम लोग इस मॉड्यूल में करेंगे जिसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि सेपरेशन ऑफ़ पावर इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एक नहीं कई चीज़ें हैं तो भारत में भी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हालांकि इंग्लैंड में ये प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया गया था और इंग्लैंड के पहले भी मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि शक्ति पृथककरण का सिद्धांत वेस्ट से आया है चूंकि हम मॉन्टेस्क्यू से शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद और मॉन्टेस्क्यू ऑज दी प्रोपाउंडर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल लेकिन ऐसा नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर वेस्ट से आया है या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिसमें लिखा हुआ है कि तीन आर्टिकल फर्स्ट थ्री आर्टिकल ऑफ़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एक्जिक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी तो इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि अमेरिका में पहली बार लिख दिया गया तो ये सेपरेशन ऑफ पावर उन्हीं के यहाँ से आया है ऐसा भी नहीं है अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ भी पहले से था हमारे यहाँ तमाम कानून प्रचलित हैं अगर आप देखेंगे हमारे पास नारद स्मृति है हमारे पास याज्ञवल्क्य स्मृति है हमारे पास चाणक्य का अर्थशास्त्र है अगर आप देखेंगे उससे भी पहले अगर आप जाएंगे ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम राम राज्य के नाम से जानते हैं तो आपको एक दो नहीं बहुत ऐसे रिटर्न मीन्स डॉक्यूमेंट है हमारे पास और रिटर्न हमारे पास बुक्स हैं जिनमें आपको मिलेगा कि नहीं हमारे यहाँ भी ये सारे गोल्डन प्रिंसिपल पाले से थे क्योंकि इंडिया तो बहुत ही सिविलाइज्ड स्टेट है बहुत पुराना सिविलाइज्ड स्टेट है सभ्यता आपकी आठ नौ हज़ार साल पुरानी सभ्यता है विश्व का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड तो ऐसा नहीं है कि ये था नहीं हाँ उसको सेप दूसरे तरीके से दिया गया था अगर आप राम राज्य में भी देखेंगे सबके कर्तव्य बटे हुए थे राजा का क्या कर्तव्य है प्रजा का क्या कर्तव्य है मंत्री का क्या कर्तव्य है दूत का क्या कर्तव्य है युद्ध करने से पहले शांति का संदेश भेजा जाना चाहिए उसको समझाया जाना चाहिए और लड़ाई लास्ट में की जानी चाहिए डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए ये साफ सारा प्रिंसिपल अगर आप रामायण भी देखेंगे तो उसके हर श्लोक और चौपाई में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो ऐसा नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर अचानक से वेस्ट में प्रकट हो गया ऐसा नहीं है चूँकि वी आर वन ऑफ दी ओल्डेस्ट सिविलाइज नेशन ऑफ़ दी वर्ल्ड और ये सारे प्रिंसिपल हमारे यहाँ थे तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं लेकिन मैं उतना पीछे नहीं जा रहा हूं क्योंकि पीछे जाने में फिर एक घंटे में इस चीज को हम लोग समप नहीं कर पाएंगे तो मैं इसको वहीं से शुरू करता हूं जहां वेस्ट से प्रोपाउंड किया गया था लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बताया हूं कि एटलीस्ट यू शुड हैव शुड्स ओवर कि नहीं ये सारी चीजें हम लोगों के पास थी और आज भी विद्यमान है ठीक है तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या मेनली बताता है बस यही बताता है कि भाई एक व्यक्ति के अंदर सारे पावर नहीं होना चाहिए बहुत ही सिंपल सी बात है क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति के पास सारे पावर देंगे तो करप्ट करेगा और करप्शन जनरेट करेगा एनआर होगा आर्बिट्री एक्शन करेगा और डिस्क्रिशन को मिसयूज करेगा इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए शक्तियों का पृथककरण होना चाहिए जो विधायिका में हो विधायिका का काम करे जो कार्यपालिका में हो कार्यपालिका का काम करे और जो जुडिशियरी न्यायपालिका में हो न्यायपालिका में काम करे यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है तो अब इसमें कुछ स्कॉलर्स को मैं कोट करूंगा जो इसको प्रोपाउंड किए थे वेस्ट में सबसे पहला स्कॉलर है मैं स्क्रीन पे उन लोगों का नाम लिख करके आपको बताऊंगा उन्होंने क्या किया था सबसे पहले जो स्कॉलर है वे है वेड एंड फिलिप्स वेड एंड फिलिप्स को अगर आप देखें वेड एंड फिलिप्स वेट एवं फिलिप्स तो वेड एंड फिलिप्स ये एक स्कॉलर है वेस्ट का इनका क्या कहना है शक्ति पृथक करण के सिद्धांत के बारे में अगर आप देखेंगे तो वेड एंड फिलिप्स के अनुसार शक्ति पृथक करण से तात्पर्य निम्नलिखित से है देखिए तीन बात इन्होंने बताया है किसी भी देश में शक्ति पृथक करण है कि नहीं है इसको देखने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए सबसे पहले क्या एक ही व्यक्ति को सरकार के एक से अधिक अंग का भाग नहीं होना चाहिए एक ही व्यक्ति एक व्यक्ति अगर है तो उसको सरकार के अंग में एक ही अंग में होना चाहिए ऐसा नहीं एक व्यक्ति है सरकार के सारे अंगों में समाहित है नहीं होना चाहिए दूसरा ये क्या कह रहे हैं दूसरा इनका कह रहा है कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंगों के कृत्यों के प्रयोगों को नियंत्रित अथवा उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए एक अंग अगर एक निकाय है सरकार का तो वो अपने निकाय तक ही सीमित रहे दूसरे के तरफ उसको देखने की ज़रूरत नहीं है दूसरे की तरफ हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है एक निकाय अपने निकाय तक सीमित रहे तीसरा इनका कहना है कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के कार्यों को नहीं करना चाहिए तो एक निकाय दूसरे में हस्तक्षेप भी ना करे और एक अंग जो है उसका वह दूसरे के कार्य को न करे दूसरे के कार्य से विरत रहे ये इनका कहना है विरत रहना चाहिए ठीक है ना तो ये तीन बात वेड एंड फिलिप बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो एक ही निकाय में बैठेगा एक व्यक्ति दूसरे निकाय में नहीं बैठेगा और एक निकाय अपने दायरे में काम करेगी दूसरे निकाय के कामों में हस्तक्षेप और उल्लंघन नहीं करेगी और एक अंग दूसरे के कार्य को करने से विरत रहेगा अगर ऐसा है जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव केवल कानूनों के एग्जीक्यूशन का काम करेगी कानूनों के प्रवर्तन का काम करेगी ऐसा नहीं वो कानून बनाने का काम करेगी ऐसा नहीं करेगी लेजिस्लेचर क्या है वो कानून बनाएगी केवल ऐसा नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करेगी प्रवर्तन करेगी और न्यायपालिका है तो ऐसा नहीं है वो कानून बनाएगी या प्रवर्तन करेगी नहीं वो उसको निर्वचन करेगी उसका कहने का मतलब है कि तीनों आर्गन का अपना अपना काम बटा होना चाहिए अगर तीनों एक साथ बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा तब लॉस्ट ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं इसको सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति हर जगह बैठ गया या तीनों एक ही में समाहित हो गए इसका मतलब कि सब मिलजुल करके अपना काम करेंगे और कोई चेक बैलेंस नहीं होगा तो इसलिए वेड एंड फिलिप इस तरीके से कहते हैं कि एक व्यक्ति को इस तरीके से अलग अलग काम करना चाहिए निकायों को अलग अलग फंक्शन करना चाहिए एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तो यह था वेड एंड फिलिप की डेफिनेशन अब आगे आप आएंगे तो इसको मॉन्टेस्क्यू ने आगे प्रोपाउंड किया है तो मॉन्टेस्क्यू के प्रिंसिपल को हम देखते हैं मॉन्टेस्क्यू का क्या कहना है मॉन्टेस्क्यू साहब कहते हैं इसमें कि हालांकि इस प्रिंसिपल का जो प्रोपाउंडर था वो अरिस्टोटल था अरिस्टोटल ने सबसे पहले इसको प्रोपाउंड किया था वैसे इसका ओरिजिनेटर उसी को बोलते हैं हम इस सिद्धांत का जो उत्पत्ति जिसको बोलते हैं ओरिजिन उद्भव ये अरिस्टोटल ने किया था जिसने शक्ति पृथककरण के बारे में थोड़ी बात करी थी इसके बाद इसका विकास जो है वो लॉक ने किया हाफ्स लॉक रूसो का आपने नाम सुना होगा तो इसका डेवलपमेंट जो है वो लॉक ने किया और मॉन्टेस्क्यू ने इसको आधार प्रदान किया मॉन्टेस्क्यू जो है इसको आधार प्रदान करते हैं मांटेस्क्यू, मांटेस्क्यू इन्होंने इसको बेसिस प्रदान किया है सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिस वेड एंड फिलिप कॉन्सेप्ट देते हैं इसका अरिस्टोटाइल जो है अरस्तु जो है अरस्तु इसका ओरिजिनेटर है ओरिजिनेटर है उत्पत्ति इसने किया है और लॉक ने क्या किया लॉक ने इसको डेवलप किया है लॉक जॉन लॉक ने इसको डेवलप किया है इसका विकास किया है डेवलपमेंट किया है तो ये चार स्कॉलर को आप देख सकते हैं वेड एंड फिलिप मॉन्टेस्क्यू अरस्तु और लॉक ये चार स्कॉलर हैं इन चारों ने इस पे काम किया है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे और मॉन्टेस्क्यू का गाना है जिन्होंने बेसिस प्रदान किया इन्होंने एकदम स्पष्ट रूप में इसको विभाजित किया है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी 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 के अंदर काम करेगी लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर के अंदर काम करेगा और एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एकुणी के अंदर काम करेगा एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ये मानटेस्क्यू का कहना है कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और अगर किसी भी एक व्यक्ति में अगर एक पर्सन है इसी में अगर ये सारे पावर वेस्ट हो जाते हैं तब मॉन्टेस्क्यू साहब कहते हैं कि इट अमाउंट्स टू लॉस्ट ऑफ एवरीथिंग सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं तो ये मॉन्टेस्क्यू साहब का इसमें कहना है अब ध्यान दीजिए अब हम इसको देखेंगे कि चलिए ये तो हम लोग को पता चल गया कि प्रिंसिपल ऑफ सपरेशन ऑफ पावर क्या है और प्रिंसिपल ऑफ सपरेशन ऑफ पावर की संकल्पना वस्तु से स्टार्ट होकर के जॉन लॉक से शुरू होते हुए मॉन्टेस्क्यू से होते हुए वेड एंड फिलिप ने इसको कैसे विस्तारित किया था और कुल मिलाकर के अगर इसका हम एक निचोड़ देखें इसका कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में यही है, है कि सारे अंग अपने अपने दायरे में काम करें कोई दूसरे में हस्तक्षेप न करें और ओवरलैपिंग न हो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे देखिए क्या है अगली स्लाइड में हम कहते हैं कि इसका अर्थ क्या है संकल्पना क्या है और महत्व क्या है तो अर्थ संकल्पना और महत्व को जानने के लिए हम लोगों को कुछ कंट्री में जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर प्रिवेल करता है वहाँ पे भी हम लोगों को नज़र डालना पड़ेगा जिसमें हम मेनली यूएसए को और इंग्लैंड को उठाएंगे यूके को कह लीजिए तो यूएसए और यूके के हिसाब से हम इसके अर्थ संकल्पना और महत्व को देखेंगे क्योंकि मेनली ये सारे प्रिंसिपल्स वहीं से प्रोपाउंड किए गए हैं तो अगर यूएस में आप देखेंगे तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल फर्स्ट आर्टिकल सेकेंड और आर्टिकल थर्ड अगर आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पर नज़र डालें तो ये तीन आर्टिकल आपको दिखेगी और इन तीनों आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में एग्जीक्यूटिव की बात है दूसरे में लेजिस्लेचर की बात है और तीसरे में जुडिशरी की बात है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की बात है तीनों फर्स्ट थ्री आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी आपको अलग अलग वहां पे दिखेगी लेकिन यूएसए में क्या है जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक स्टेट है हमारे यहाँ आप देखेंगे तो जो मिनिस्टर है वो कार्यपालिका में रहते हुए विधायिका में भी बैठता है लेकिन अगर अमेरिका में आप जाएंगे तो वहां स्थिति थोड़ी अलग है जिसमें मैं आपको बताऊं थोड़ा सा आप स्क्रीन पे ध्यान दें कुछ लिख करके मैं आपको बताऊंगा अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो शक्ति पृथककरण के सिद्धांत को अमेरिका के संविधान में सर्वाधिक महत्व दिया गया है सर्वाधिक महत्व का मतलब ये जो तीन आर्टिकल आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ज्यादा महत्व तो इसलिए कि वेरी फर्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव वेरी सेकंड आर्टिकल टॉक्स अबाउट लेजिस्लेचर एंड वेरी थर्ड आर्टिकल टॉक्स अबाउट जुडिशियरी इस तरीके से अमेरिका का संविधान जब शुरू ही होता है सेपरेशन ऑफ पावर से आगे जब आप इसमें देखेंगे तो विधायी शक्ति कांग्रेस में कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में तथा न्यायिक शक्ति न्यायालय में निहित है तो जितनी भी आप विधायी शक्ति देखेंगे वो कांग्रेस के अंदर है कांग्रेस का मतलब जैसे हमारे यहाँ संसद है लोकसभा और राज्यसभा तो पूरी विधायी लेजिस्लेटिव पावर अमेरिकन कांग्रेस के अंदर है पूरा एग्जीक्यूटिव पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंदर है और पूरा जुडिशियल पावर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास है तो ये भारत के ये अमेरिका के संविधान के तीनों आर्टिकल में लिखा हुआ है जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा ये वेस्ट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव पावर होगा वो वेस्ट करेगा कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में और जो जुडिशियल पावर होगा वो वेस्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में तो इस तरीके से तीनों आर्टिकल की यहाँ पे बात है उनके यहाँ आगे अगर अमेरिका में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रीगण कांग्रेस में न तो बैठ सकते हैं और न ही मत दे सकते हैं सचिवगण राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं न कि कांग्रेस के प्रति ध्यान दीजिए जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे भारत में थोड़ी अलग स्थिति है क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और वो फॉलो करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस में बैठ करके और उसके लिए उत्तरदायी नहीं है ना वहाँ पर वोट देने के लिए उत्तरदायी है कांग्रेस कार्य प्रेसिडेंट जो है वो कार्यपालकीय शक्ति को करेगा उसका कांग्रेस के प्रति कुछ नहीं है उसमें बैठने की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का अगर आप आर्टिकल 79 देखेंगे भारत के संविधान का तो उसमें लिखा है पार्लियामेंट सेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिला के संसद बनाते हैं उनके यहाँ ऐसा नहीं है उनके यहाँ कांग्रेस संसद बनाती है और कांग्रेस में केवल दो ही हाउस हैं उनके पास तो इस तरीके से थोड़ा सा अलग सिस्टम है उनका प्रेसिडेंट कांग्रेस में बैठने के लिए बाध्य नहीं है और नहीं बैठता है आगे अगर आप देखेंगे इसको मैं देखिए आप स्क्रीन पर आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका भी स्वतंत्र है न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों को असंवैधानिक घोषित कर दे ध्यान दीजिए ये जो आर्टिकल थर्ड में जुडिशियरी है ये जुडिशियरी स्वतंत्र है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है उनकी अगर ये चाहेगी तो ये लेजिस्लेटिव एक्शन को और एग्जीक्यूटिव एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी कैसे डिक्लेयर करेगी इसके पास एक पावर है उस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ़ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ जुडिसियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की इतनी ज्यादा शक्ति है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को और ये ये भी ये भी जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कन्फर्ड पावर नहीं है उसको यह इन्वेंटेड डॉक्टरिन है बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट इट अगर आप देखेंगे बहुत ही लीडिंग जजमेंट है इसमें उस जजमेंट का नाम है मेरवरी वर्सेस मेडिसन बहुत ही लीडिंग जजमेंट है मेरवरी वर्सेस मेडिसन में मैं इसका नाम लिख दूँ यहाँ पे मैरवरी वर्सेस मेडिसन एम वर्सेस एम आप कर सकते हैं मैरवरी वर्सेस मेडिसन चीफ जस्टिस मार्शल चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यह जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया था प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू जिसमें इन्होंने बताया था कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट या तो एग्जीक्यूटिव के एक्शन को या लेजिस्लेटिव के लेजिस्लेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अगर वह फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है अगर वह व्यक्तियों के और सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के खिलाफ है या किसी तरीके से वो संवैधानिक प्रिंसिपल पे खड़ा नहीं उतरता तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है इसलिए हम अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को वन ऑफ द पावरफुल जुडिशियरी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं जबकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को उतना अनलिमिटेड पावर नहीं है लेकिन जुडिशियरी को अनफेटर्ड पावर कंफर्ट करता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल डॉक्टर के तहत तो इस तरीके से आप देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर बड़ा फंडामेंटल फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें तीनों आर्गन को अलग अलग स्थान दिया गया है हाँ इतना जरूर है कि जुडिशियरी को ज्यादा पावर है क्योंकि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र है और आर्गन जो है वो अपने लिमिट में काम करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनली कंफर्ड है तो ये अमेरिकन प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर का जो उनके संविधान में भी आप देख सकते हैं अब आप थोड़ा सा यूनाइटेड किंगडम पर चलें इंग्लैंड की तरफ चलें देखिए उनके यहाँ क्या है आप स्क्रीन पर आए एक बार यूनाइटेड किंगडम में क्या है यूनाइटेड किंगडम में जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लैंड में अशिथिल का सिद्धांत अपनाया नहीं गया है कार्यपालिका और विधायिका के कार्यकलाप एक दूसरे से अत्यधिक संबंध रखते हैं इंग्लैंड में आप जाएंगे ना तो दूसरे तरीके का सिस्टम है वहां कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से एकदम जुड़ी हुई है वहां पे जो क्राउन है जो राजा है वो सीनेट का भी पार्ट है और प्लस वह राजा भी है वह एग्जीक्यूटिव पावर भी परफॉर्म करता है तो वहाँ पे मिली जुली शक्तियाँ हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन से गवर्न होते हैं इसीलिए जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हम बात भारत में करते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो दोनों में बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है उनके यहाँ पार्लियामेंट्री सावरेंटी का कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं किंग कैन डू नो रॉन्ग और सावरेंटी लाइज इन द पार्लियामेंट हम कहते हैं नो, नो पार्लियामेंट्री प्रिवलेजेज अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे आर्टिकल एक आर्टिकल एक सौ चौरानवे पंचानवे तो उसमें आपको देखेगा हम रखे हैं पार्लियामेंट्री प्रिवलेजेज आर्टिकल एक सौ पाँच में अगर आप देखेंगे प्रिविलेज हम कन्फर करता है भारत का संविधान किसको लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट को भी स्टेट लेजिस्लेचर को भी लेकिन प्रिविलेज की जगह पे साबरेंटी नहीं कन्फर करता और ब्रिटेन में आप जाएंगे तो वहाँ पर साबरेंटी कन्फर करता तो ये दोनों के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ड्रास्टिक डिफरेंस है तो इस तरीके से आप इंग्लैंड में जाएंगे तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर पूरा नहीं मिलेगा वहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन अमेरिका में क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर है हालांकि वहाँ पे ओवरलैपिंग कई बार हुई है जिसको जुडिसरी ने इंटरव्यून किया है लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को देखें तो वो कम्प्लीटली सेपरेट है और इंग्लैंड में ऐसी बात नहीं है अब थोड़ा सा भारत में हम आते हैं इंडिया में देखें हम हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की क्या स्थिति है भारत के संविधान में तो देखिए एक बार भारत में शक्ति पृथककरण तथा भारत का संविधान इसमें आइए थोड़ा सा तीसरे स्लाइड पे शक्ति पृथककरण तथा भारत का संविधान तो शक्ति पृथककरण और भारत के संविधान पे जब आप नजर डालेंगे तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो हमारे पास भी एग्जीक्यूटिव हमारे पास भी लेजिस्लेचर और हमारे पास भी जुडिशियरी चाहे यह यूनियन में हो और चाहे यह स्टेट में हो ये दोनों आपको देखने को मिलेगा यूनियन और स्टेट दोनों में एग्जीक्यूटिव भी दिखेगा लेजिस्लेचर भी दिखेगा और जुडिशरी भी दिखेगी अब यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर आप बात करें तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होकर के 78 तक जाएगा लेजिस्लेचर की आप बात करेंगे 79 से होकर के और ये जाएगा 123 तक और जुडिशरी की बात करेंगे तो वन से लेके जाएगा वन तक ये सब आपको दिख जाएगा भारत के संविधान में और इसमें भी हमारे यहाँ भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी का क्लियर कट डिमार्केशन है अगर भारत के संविधान में आप देखें क्योंकि आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक केवल और केवल यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात है जिसमें एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसके में वेस्ट करेगा एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैसे परफॉर्म किया जाएगा एड एंड एडवाइज का क्या कॉन्सेप्ट है ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी उसी तरीके से जब आप लेजिस्लेचर को देखेंगे आर्टिकल सेवेंटी नाइन से शुरू हो जाता है कि कैसे यूनियन लेजिस्लेचर बनेगा जिसमें पार्लियामेंट कैसे बनेगी और पार्लियामेंट में बैठने वाले कैसे चुने जाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी वो कब पद से हटाए जा सकते हैं पार्लियामेंट के प्रिवलेजेज क्या हैं ये सब आपको इस ग्रुप में लिख दिख जाएगा सेवेंटी से लेकर के एक वाले ग्रुप में उसी में लेजिस्लेटिव पावर में चूंकि प्रेसिडेंट का आर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है अगर आर्टिकल वन टू थ्री देखेंगे तो प्रेसिडेंशियल आर्डीनेंस मेकिंग पावर है क्योंकि आर्डिनेंस लॉ है और लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है इसलिए लेजिस्लेचर वाले पार्ट में उसको रख दिया है और जब जुडिशरी में आप जाएंगे तो आर्टिकल 124 से 145 तक देखेंगे यह जुडिशियल डिपार्टमेंट है पूरा भारत के संविधान में जिसमें हाउ सुप्रीम कोर्ट इज टू तो बी कॉन्स्टिट्यूटेड कैसे जजेज का अपॉइंटमेंट होगा पहले आप देखेंगे एन था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसको दो के इस कोरा वाले जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखिएगी क्वालिफिकेशन जजेज के क्या होंगे वो कम से कम कितने साल तक जज होगा कितने साल तक एडवोकेट होगा डिस्टिंग जूरिस्ट होगा ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 124 में देखेंगे सैलरीज क्या होंगे इम्यूनिटीज क्या होंगी इनके ये सब कुछ आपको देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स आपको दिख जाएंगे जुडिसडिक्शन दिख जाएंगे आर्टिकल 129 130 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा ओरिजिनल जुडिसडिक्शन 131 की बात आप करेंगे 132 थर्टी टू अपीलेट जुडिस्डिक्शन दिखेगा वन थर्टी दिखेगा आपको वन लॉ डिक्लेयरिंग पावर दिखेगा वन में इन हरे जुडिस्डिक्शन वन एंड सो फोर्थ तो ऐसे आप देखेंगे तो जुडिशरी का अलग चैप्टर है हमारे पास तो भारत के संविधान में भी बहुत ही बृहद रूप में हमने शक्ति पृथककरण के सिद्धांत को फॉलो किया है और पूरा प्रयास किया गया है भारत के संविधान के द्वारा कि शक्तियों में ओवरलैपिंग ना हो और शक्तियां एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रूप में काम करें लेकिन अगर फंक्शनिंग में आप अगर आप आएंगे तो फंक्शनिंग में आपको दिखेगा कई बार कि फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे प्रेसिडेंट की बात कर लें अब लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन सेल वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ है तो

उसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट करेगा पार तो पार जुडिशियल पावर है उसका आप वन की बात करेंगे तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उसके पास है कानून भी बना देता है तो वह कहीं लेजिस्लेचर का काम करता है कहीं एग्जीक्यूटिव का, का काम करता है कहीं जुडिशियरी का काम करता है एक ही आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इस तरीके से अगर आप डिमार्केशन की बात करेंगे क्लियर कट कर डिमार्केशन है ग्रुप ऑफ आर्टिकल मैंने स्क्रीन पे लिख के आपको दिखा दिया लेकिन अगर आप फंक्शनिंग की बात करेंगे तो फंक्शनिंग में जैसे चेक एंड बैलेंस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर जुडिशियरी चेक करेगी किसको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को विद इन दि कार्व ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो उस चेक और बैलेंस को भारत के संविधान में बहुत हद तक लिख भी दिया गया है चेक बैलेंस हमारे यहां भी आया है हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर कन्फर करती है बाई दी जुडिशियल डिसीजन और जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ भी आ गया बाद में मैं थोड़ी देर आऊंगा लेकिन अगर भारत के संविधान के लिखित प्रावधानों की भी आप बात करेंगे, तो बड़ा ही क्लियर आप स्टेट में आप आएंगे यही एग्जीक्यूटिव यहां पर गवर्नर की बात हो जाएगी स्टेट लेवल में यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो जाएगी और ग्रुप ऑफ आर्टिकल आपको यहां पर भी दिखेंगे और यहां पर कोर्ट्स मिल जाएंगे आपको कोर्ट्स तो जो आपने यूनियन का लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी देखा वो सेम चीज़ आपको स्टेट में भी दिखेगा गवर्नर कैसे अपॉइंट होगा उसके क्या पावर होंगे वन के अराउंड आपको सारी आर्टिकल दिखेंगी स्टेट लेजिस्लेचर में आप देखेंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट आप कहीं बाई कैमरल लेजिस्लेचर है कहीं यूनिक कैमरल लेजिस्चर है कहीं पे केवल विधानसभा काम करती है कहीं पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों काम करती है जैसे यूपी स्टेट में अगर आप देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है उसी तरीके से हाई कोर्ट्स हैं हर जगह जो जुडिशियरी अपना काम करेगी तो चाहे यूनियन और चाहे स्टेट भारत के संविधान में पूरा क्लियर कट लिखा हुआ लेकिन ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है तो ओवरलैपिंग में मैंने आपको कुछ आर्टिकल को रेफर किया और उसको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है जैसे हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर सेल वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि उसके पास लेजिस्लेटिव uh, पावर भी है 123 में और वहीं पे हम देखते हैं कि उसको पार्डनिंग पावर भी है जुडिशियल पावर भी है उसको वहीं हम देखते हैं कि वो लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट भी है आर्टिकल 79 में तो इस तरीके से प्रेसिडेंट को तमाम पावर कन्फर किया गया है अब प्रेसिडेंट के अलावा अगर आप जब लेजिस्लेचर पर आएंगे तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो गया तीन नंबर की जब लेजिस्लेचर पर भी आप आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर को देखिए प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है आर्टिकल सेवेंटी को आप पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उसका हेड मीन्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है लेकिन ये लोग निकल के कहाँ से जाते हैं लेजिस्लेचर से निकल के जाते हैं तो फिर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे देखेगी उसी तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे जजे आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सेल बी अपॉइंटेड बाई होम बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो अब जब जजेज के अपॉइंटमेंट की बात है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे हालांकि हमारे पास एनजेएसी जब था तो उसमें तो और भी ओवरलैपिंग हो गई थी एनजीसी को करने के बाद भी अगर आप देखेंगे हमारे पास कोलिजियम सिस्टम है सिस्टम में जजेज ही अपॉइंट करते हैं अगर आप देखें तो एसपी गुप्ता से लेकर के रिप्रेजिडेंशियल रेफरेंस केस से लेकर के 1999 वाला इसके बाद स्कोर ऑफ फर्स्ट वाला जजेस ट्रांसफर केस फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जब आप निगाह डालेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगे जिसमें कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होता है लेकिन अल्टीमेटली अपॉइंट कौन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट के पास पावर है अपॉइंट करने का प्रेसिडेंट कौन है ही इज दी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव और किसको अपॉइंट करता है मेम्बर ऑफ जुडिशियल आर्गन जजेज को अपॉइंट करता है तो कैसा सेपरेशन आप पावर है हालांकि संविधान में मैंने आपको लिख करके स्क्रीन पर बता दिया कि नहीं सारे आर्टिकल अलग अलग है एग्जीक्यूटिव का अलग काम है जिसलेक्चर का अलग है जुडिस का अलग है लेकिन जब इसको माइन्यूटली आप देखेंगे तो आपको कि नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है एक दूसरे के काम में दखल भी देना है इनको कर भी रहे हैं और कभी ये उनका काम करते हैं इनका काम करते हैं तो इस तरीके से जब मॉटेस्कू के प्रिंसिपल को आप लगाएंगे भारत के संविधान के ऊपर तो आपको दिखेगा कि नहीं मॉन्टेस्क्यू का प्रिंसिपल तो हमारे यहाँ बहुत फिट एंड फाइन नहीं है क्योंकि ये जो क्लियर कट और वाटर टाइट कंपार्टमेंट की बात करता है कि तीनों अलग अलग होंगे वो तीनों अलग अलग तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं हमारे यहाँ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है अब आप आर्डिनेंस की अगर बात करें तो आर्डिनेंस में आर्टिकल 123 को पढ़ेंगे कि उसमें प्रेसिडेंट आर्डिनेंस इशू करता है अच्छा आर्डिनेंस क्या है देखिए अगर आप आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाई लॉज रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम एन यूस एच तो ऑर्डिनेंस लॉ है क्योंकि आर्टिकल थर्टीन में डिफाइन किया गया वॉट इज लॉ तो आर्डिनेंस इज लॉ अब लॉ बनाने का पावर हम कह रहे हैं कि भारत के संविधान में क्लियर लिखा हुआ है लेजिस्लेचर कानून बनाएगा लेकिन कानून बनाने का मतलब ऑर्डिनेंस भी कानून है क्योंकि आर्टिकल 13 में आर्डिनेंस लॉ है और यहाँ पे 123 में देखेंगे तो आर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है प्रेसिडेंट के पास है और प्रेसिडेंट कब बनाएगा उसके कंडीशन बताए गए हैं अगर आप आर्टिकल 123 को देखें तो उसमें लिखा हुआ है व्हेन तो थोड़ा सा लिमिटेशन है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि हमेशा का हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब मन करेगा तब ऑर्डिनेंस जारी कर देगा नहीं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी इसका मतलब न तो कोई सेशन चल रहा है विंटर सेशन समर सेशन या कोई भी ऐसा सेशन नहीं चल रहा है रिसेस है पार्लियामेंट का जिसको रिसेस बोलते हैं जब सेशन में नहीं है दोनों हाउसेस और उस समय इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है ध्यान दीजिए इमीडिएट एक्शन अगर इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी नहीं है फिर भी ऑर्डिनेंस नहीं प्रोपाउंड प्रोमोगेट कर सकते तो ऑर्डिनेंस का उद्घोषणा करने के लिए

ऑर्डिनेंस प्रोमोगेट कर दिया तो ऑर्डिनेंस लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगा नहीं उसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर वह उस पर पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है इनेक्ट करने के लिए तो लॉ ऑफ द लैंड है लेकिन कितने समय के लिए है कुछ समय के लिए है जैसे ही सेशन में आएगी वहां से छ सप्ताह तक एलाइव रहेगा बस मान लीजिए आज ऑर्डिनेंस इशू कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और सेशन में आ गई पार्लियामेंट कल से तो कल से लेके छे सप्ताह तक सप्ताह का मतलब फोर्टी टू डेज तक वह एलाइव रहेगा मैक्सिमम और फोर्टी डेज टू डेज के बाद अपने आप लैप्स कर जाएगा इसके बाद उसको कानून में आना पड़ेगा लेकिन इसमें भी बहुत एंड कौन से अगर आप देखेंगे रीप्रमोलिगेशन एंड सक्सेसिव प्रोमोलीस ऑफ ऑर्डिनेसका मिस यूज हुआ है कई बार शक्ति पृथककरण के सिद्धांत में इसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है क्योंकि जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव का, का काम करना चाहिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर चूंकि सामान्य प्रक्रिया नहीं है चूंकि यह ऐसी प्रक्रिया है जब उस समय नहीं किया जाना है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और उस समय भी नहीं किया जाना है जब इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी नहीं है और पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो अपना काम करेगी कानून बनाएगी लेकिन डीसी बाधवा का अगर आप जजमेंट देखेंगे डी सी स्टेट ऑफ बिहार बहुत लीडिंग जजमेंट है इसमें क्या हुआ गवर्नर ऑफ बिहार ने सक्सेसिव प्रोमगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस किया जैसे छे सप्ताह बीता था सप्ताह के बाद एक दिन का गैप करके उसी विषय में फिर से आर्डिनेंस इशू कर देना फिर एक दिन का गैप करके फिर से इशू कर देना तो मैंने बिहार में पूरा आर्डिनेंस राज हो गया था कई सालों तक और वो विधानसभा ने बना करके केवल ऑफ गवर्नर से चल पड़ा था इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था डीसी बाम में और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं ये तो प्रोलगेशन रीपोलिगेशन एंड सक्सेसिव प्रोलिगेशन ऑफ ऑर्डिनेस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि संविधान किसकी बात करता है हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लोग हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी

कानून जो है संसद से तो हमको इसकी भी बात करनी उसी तरीके से जजेज के अपॉइंटमेंट को आप देखेंगे इसको भी लेकर के कई बार क्वेश्चन हुए कई बार क्वेश्चन हुए कि भाई जज साहब लोगों का अपॉइंटमेंट जज साहब क्यों करते हैं अब इसको भी आप देखेंगे तो जज साहब का अपॉइंटमेंट जज साहब क्यों करते हैं तो एनजे बन गया अगर आप देखेंगे तो के मोदी जी के रिजीम में ही इसी करंट रिजीम में ही ये बन गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और उसमें यह हो गया कि भाई कौन कौन लोग होंगे जो जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे तो उसमें पूरी कमेटी का जिक्र था उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे उसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे उसमें एमिनेंट पर्सन भी थे उसमें और ग्रुप के लोग भी थे माने बाहरी लोग भी आ गए अपार्ट फ्रॉम जुडिशियरी और इसको लेकर के क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई इसमें तो बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए नहीं तो इंडिपेंडेंट आप जुडिशिये स्वतंत्र न्यायपालिका प्रभावित हो जाएगी इसको लेकर के बड़े क्वेश्चन हुए कि भाई स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब क्या स्वतंत्र न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट आता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका में डिसीजन मेकिंग आता है ये भी क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका लेकिन निष्पक्ष और फेयरनेस होना चाहिए अपॉइंटमेंट में यह भी बहुत जरूरी है तो निष्पक्ष और फेयरनेस है कि नहीं है इसको लेकर के बड़े क्वेश्चन है अगर आप अपने से ही अपॉइंट किए जा रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन है कि भाई आप अपने से ही अपने आप को अपॉइंट क्यों कर देते हो इतना हेपोक्रेसी क्यों है तो तमाम बातें हैं इसमें जब भी सप्रेशन ऑफ पावर की बात आप करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो एटलीस्ट इन सारे प्रावधानों को ध्यान में रखने की जरूरत है इसी तरीके से बिल जब जाती है थोड़ा मैं दो आर्टिकल की और जिक्र कर दूं फिर मैं आगे वाली स्लाइड पे बढ़ता हूं एक है आपके पास आर्टिकल 74 और दूसरा है आर्टिकल ट्रिपल वन 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 ट्रिपल वन अब जैसे ही कोई बिल जो पास हो गई लोकसभा और राज्यसभा से तो प्रेसिडेंट के पास भेजी जाएगी और प्रेसिडेंट के पास भेजी जाएगी तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन है प्रेसिडेंट या तो उस पर अपनी असेंट दे दे या तो उसको विदहोल्ड कर दे या उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे तीन बात है तो रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकती है और प्रेसिडेंट उसको दे भी सकती है और प्रेसिडेंट उसको विदहोल्ड भी कर सकती है ऐसा है उनके पास पावर है अब ध्यान दे दीजिए अब प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट ने रिकंसीडर करने के लिए फिर से भेज दिया हाउस को विथ सर्टेन अमेंडमेंट कहते हैं कि भाई इसमें जो आपने हमारे पास भेजा है इसमें फला फला फला, -फला अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है ये अमेंडमेंट करके फिर से आप हमको भेजें तो हम इसमें असेंड दे देंगे अब जब फिर से वो संसद के पास जाती है संसद उसको देखती है इनके अमेंडमेंट को माने या न माने मान लीजिए नहीं मानती है जो इन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट किया था उसको नहीं मानती है और फिर से, से सेम बिल इनके पास फिर से आ जाता है विदाउट कंसिडरिंग एनी अमेंडमेंट विच हैजिन रिकमेंडेड विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें कोई भी उसमें सुधार नहीं किया गया वैसे ही फिर भेज दिया गया तब क्या करेंगे रिकंसिडरेशन के बाद अगर फिर आएगा इनके पास देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सैलगी वेज एसेंट देना नहीं लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निश्चित रूप से उस पर अपना एसेंट देगा ठीक है ना तो कानून बनाने में भी चौकी प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट है लेजिस्लेचर का, का, इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट होने का उसकी भूमिका उतने तक ही है एक बार रिकंसीडर करने के लिए आप भेज सकते हैं नहीं तो हेड ऑफ कंट्री और आपको उस पर साइन करना पड़ेगा अगर रिकंसिडरेशन के बाद फिर आ जाता है तब यहाँ पे थोड़ा वेगनेस आर्टिकल ट्रिपल वन में थोड़ा सा वेगनेस है जिसमें लिखा हुआ है कि ये तीन काम कर सकते हैं विद होल्ड भी कर सकते हैं अब विद होल्ड का मतलब अगर मान लीजिए रख लिया न ही रिकन्सिडर के लिए भेजा और न ही एक्सेप्ट किया तो तीसरा एक ऑप्शन है विद होल्ड कर लिया तो विद होल्ड करने में भी कभी कभी आप देखेंगे यानी जेल सिंह के मामले में और उस सब मामले में कई बार कंट्रोवर्सी राइज हुई थी तो जब सेपरेशन ऑफ पावर की आप बात करेंगे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो कहीं कहीं टकराव की स्थिति आती है उसको जानना जरूरी है कहीं कहीं एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के टकराव की स्थिति आती है उसको भी यह जानना जरूरी है और कहीं कहीं आप देखेंगे प्रेसिडेंट प्रेसदेंग को सारे पावर एक साथ कभी कभी कन्फर कर दिया जाता है उसको भी देखने की जरूरत है लेकिन प्रेसिडेंट को जितना भी पावर कन्फर किया जाता है कुल मिलाकर के वो किसके थ्रू आता है वो काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर के थ्रू ही उसको परफॉर्म करना है तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का कोई व्यक्तिगत पावर है उसमें नहीं प्रेसिडेंट हमेशा का हमेशा उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू ही परफॉर्म करता है तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर भारत के संवैधानिक प्रावधानों में आपको देखने को मिलेगा अब अगर एक आर्टिकल मैं आपको रेफर करूं वो है आर्टिकल पचास आर्टिकल फाइव जीरो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस ये आर्टिकल पचास जो है पार्ट फोर्थ में है। भारत के संविधान के पार्ट फोर्थ में है भाग चार में है और भाग चार में नीति निर्देशक तत्वों की बात है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ध्यान दीजिए और आर्टिकल पचास उसी का हिस्सा है 50 में क्या लिखा हुआ है, 50 में लिखा हुआ है कि राज्य प्रयास करेगा कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग रखा राज्य प्रयास, तो प्रयास करना है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अलग अलग रहे जुडिशियरी अलग अलग रहे दोनों का आपस में स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए दोनों एक नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि जुडिसियर का काम है निर्वाचन करना और एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना इम्प्लीमेंट करना दोनों के अलग अलग काम है और दोनों एक ही हो जाएंगे तो जिसको इम्प्लीमेंट करना है उसी को उसको निर्वचित भी करना है उसी को इंटरप्रेट भी करना है तो दिक्कत आएगी इसलिए आर्टिकल 50 में ये बात लिखी हुई है लेकिन आर्टिकल 50 पार्ट फोर्थ में है मैंने आपको पहले भी बताया और पार्ट फोर्थ का जो फीचर है वो कैसा है अगर आप आर्टिकल 37 पढ़ेंगे पार्ट फोर्थ का आर्टिकल थर्टी सेवन तो उसमें लिखा हुआ है कि दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर वेरी फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ दी नेशन बट दे आर नॉट जस्टिस येबल अगर आप थर्टी सेवन को देखेंगे ये चीज लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये गुड गवर्नेंस के बड़े अच्छे प्रिंसिपल हैं ये बहुत ही फंडामेंटल हैं कंट्री के गवर्नेंस के लिए और जब राज्य कानून बनाएगा तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा ये सब लिखा हुआ है लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है कि लेकिन ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिसेबल नहीं है इन्फोर्सिबुल नहीं है थ्रो कोर्ट ऑफ लॉ तो ये आर्टिकल पचास को जब आप देखेंगे तो ये पार्ट फोर्थ में आता है जो सेपरेशन ऑफ पावर और, और एकमात्र आर्टिकल है भारत के संविधान में जो शक्ति पृथक की बात ती है जो कहती है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से अलग रखा जाना चाहिए और राज्य प्रयास करेगा अलग करने का एकमात्र आर्टिकल है और यह भी एकमात्र आर्टिकल पार्ट फोर्थ में रखी गई है जो इनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा तो सेपरेशन ऑफ पावर का अगर स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो करंट में जो रनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसकी आप बात करेंगे तो बहुत ही लैखनेस है हमारे पास हालांकि चैप्टर्स में हमने क्लियर कर दिया है कि एग्जीक्यूटिव यहां तक है लेजिस्लेचर यहां तक है जुडिशियरी यहाँ तक है मैंने ग्रुप ऑफ आर्टिकल आपको पिछले स्लाइड में लिख के दिखाया था लेकिन यहाँ पे जब आर्टिकल पचास

तो ये था भारत का संविधान और शक्ति पृथककरण का सिद्धांत अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्लाइड है कि शक्ति पृथककरण तथा न्यायिक निर्णय ध्यान दीजिए न्यायिक निर्णय में शक्ति पृथक के क्या रोल हैं? तो इसमें कुछ कुछ जजमेंट मैं यहाँ पे रेफर करूंगा आपको एक जजमेंट है आसिफ हमीद, वर्से हमीद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आसिफ हमीद वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर राज्य यह एक बड़ा ही लीडिंग सा जजमेंट है जिसमें क्या कहा गया था मैं बता रहा हूं इस केस में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि संविधान के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सारे आर्टिकल का डिमार्केशन अलग अलग है तो यही सुप्रीम कोर्ट का दिया कि संविधान में स्पष्ट रूप से तीनों अंगों को अलग अलग परिभाषित किया गया है और एक अंग दूसरे अंगों के प्रदत्त कार्यों को छीन नहीं सकता प्रत्येक अंग को संविधान द्वारा दिए गए कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करना होगा संविधान द्वारा विहित सीमा से परे कोई नहीं जा सकता न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है परिणाम स्वरूप यदि कोई अंग अपनी शक्ति से परे जाकर कार्य करता है अथवा दूसरे अंग के कार्यों का और शक्तियों का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसके कृत्य को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के तीनों ही अंग को अपने अपने क्षेत्र में प्राथमिकता प्राप्त है प्रत्येक अंग अपने को सौंपे क्षेत्र में सर्वोच्च है और इस बात पर बल देना चाहिए इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक स्कीम की सीमाओं के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए गए हैं में, कहां तक, तक, तक जुडिशियरी काम करेगी हालांकि लिखा हुआ है लेकिन चूंकि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका का, का है, हमारे पास स्वतंत्र विधायिका और स्वतंत्र कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट नहीं है ध्यान दीजिए अगर आप सुनेंगे तो आप सुनेंगे न्यायपालिका स्वतंत्र है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है आप ये नहीं सुनेंगे इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव है आप ये भी नहीं सुनेंगे इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर है तो चूंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए न्यायपालिका को एक अलग से शक्ति प्रदान की गई है जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू ध्यान दीजिए न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अब क्वेश्चन ये कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत के संविधान में कहाँ पे है सबसे पहला केस शुरू हुआ भारत में संविधान आया 1950 में और 1951 का जजमेंट है ए के गोपालन वर्सेस से मद्रास 1951 सबसे पहला जजमेंट संविधान आने के बाद और उसमें पिटिशनर क्वेश्चन पूछता है सुप्रीम कोर्ट से कि कहाँ पे है जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान में है पिटिशनर हम तो सारी आर्टिकल पढ़ गए आर्टिकल एक से लेकर तीन सौ पंचानवे तक और किसी भी आर्टिकल में हमको जुडिशियल रिव्यू लायक कोई शब्द दिखा नहीं तो आखिर भारत के संविधान में जुडिशियल रिव्यू कहां है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक एक गोपालन में कहा कि जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान के हर हर आर्टिकल के हर शब्दों में समाहित है एवरी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू ध्यान दीजिए हर संविधान के हर जगह जुडिशियल रिव्यू है अम्नि प्रेजेंस इसको बोलते हैं जैसे शिव कणकण में विराजमान है दिखते नहीं है वैसे जो जुडिशियल रिव्यू है ये भारत में हर जगह विद्यमान है दिखती नहीं है तो ये ध्यान दीजिए आप उन्नीस सौ इक्यावन में जस्ट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस वॉज दी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती है जुडिशियल रिव्यू हर जगह है जबकि जुडिशियल रिव्यू कैसी है इन्वेंटेड डॉक्टर है बाई होम बाई यूएस सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैरवरी वर्सेस मेडिसन चीफ जस्टिस मार्शल ने ये प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया था अमेरिका में और उन्होंने बोला था कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर है और उसी को कॉपी कर लिया गया भारत में एके गोपालन के केस में और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जुडिशियल रिव्यू भारत के संविधान में हर जगह है इसको कहीं एक जगह खोजने की जरूरत नहीं है तो एके गोपालन में ही प्रिंसिपल प्रोपाउंड कर दिया गया था इसके अलावा जब आगे के जजमेंट को आप देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू बाद में केशवानंद भारती के बाद बेसिक स्ट्रक्चर बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशियल रिव्यू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद सक्सेसिव जजमेंट आप देख लेंगे जिसमें एल चंद्र कुमार का जजमेंट आप देख सकते हैं आई आर का जजमेंट देख सकते हैं ओमन राव का जजमेंट देख सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिएट्रेट किया है कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया तो हालांकि तीन आर्गन है जहां पे हम शक्ति पृथक की बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो तीनों आर्गन के बीच में बैलेंस होना चाहिए सारे आर्गन को बराबर बराबर पावर होना चाहिए तब हम कहते हैं कि शक्तियों का बिखराव है शक्तियों का अलगाव है और सबको बराबर बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई लेकिन ऐसा नहीं आपको दिखेगा आपको दिखेगा लेजिस्लेचर के पास कम पावर है आपको दिखेगा एग्जीक्यूटिव के पास कम पावर है और आपको दिखेगा जुडिशियरी के पास ज्यादा पावर है क्योंकि जुडिशियरी किसी के फील्ड में इंटरफेयर कर सकती है वो एग्जीक्यूटिव के एक्शन को कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वह लेजिस्लेचर के लेजिस्लेशन को कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो फंडामेंटल राइट right के कंट्रोवेंशन में है तो कर सकती है तो ये सारा जुडिशियल डिपार्टमेंट के साथ आपको दिखेगा तो जब आप सेपरेशन पावर ऑफ पावर की बात करते हैं तो हमको ये भी सोचने की जरूरत है कि केवल सेपरेशन ऑफ पावर है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक आर्गन इतने में काम करेगा एक आर्गन इतने में काम करेगा और दूसरा आर्गन इतने में काम करेगा क्या ऐसा इसको सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं या सेपरेशन ऑफ पावर हम बोलते हैं कि नहीं सब इतने 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 में काम करेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वेश्चन ये कि सेपरेशन ऑफ पावर है अब किसको कितना दे दिया गया ये कोई तौलने की बात नहीं है कि किसको कितना किलो दिया गया लेकिन ये इतना जरूर है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जब आप देखेंगे तो ये आपको लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में भी दिखेगा भारत में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में भी दिखेगा लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे मैं नीचे से बात करूं सबसे निचली अदालत जो जिला में बैठी हुई हैं उसमें अगर आप देखेंगे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट को बहुत सारा पावर है जैसे आप सिविल कोर्ट में देखेंगे सीपीसी का सेक्शन एक है सीपीसी का सेक्शन वन फिफ्टी इसमें आप देखेंगे इन पावर ऑफ सिविल कोर्ट

ऑफ सीआरपीसी की बात कर लीजिए आप सीआरपीसी जो अब बदल गई थोड़ी सी इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के नाम से जान रहे हैं लेकिन पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 था इसमें आर्टिकल 191 सी में जब आप देखेंगे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकता है मोटो कांग्निजेंस इसको बोलते हैं कोई जरूरी नहीं है कि एफ होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लेंट uh, होना चाहिए अंडर सेक्शन 200 हंड्रेड कोई जरूरी नहीं है पुलिस रिपोर्ट भी नहीं आई कुछ भी नहीं हुआ कंप्लेंट भी नहीं हुआ सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेगा ध्यान दीजिए वो घर में बैठा हुआ है पेपर पढ़ रहा है पेपर पढ़ते समय उनको पता चल गया कि उनके क्षेत्र में कहीं मर्डर हो गया या कोई ऐसी बात हो गई कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हो गया तो वो सेल्फ ले कॉग्नीजेंस ले लेंगे इनको सुओ मोटो काग्निजेंस बोलते हैं तो कोई भी प्री रिक्विजिट इसके लिए नहीं है कि नहीं पुलिस रिपोर्ट के थ्रू लेंगे या कंप्लेंट के थ्रू लेंगे तो वन सी में ये लोअर क्रिमिनल कोर्ट को भी पावर है तो इस तरीके से आप देखेंगे अगर लोअर कोर्ट के लेवल में आप देखें बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है उसी तरीके से जब ऊपर थोड़ा सा आप बढ़ेंगे हाई कोर्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा 482 एटी टू सी सेक्शन 482 एट्टी टू सीआरपीसी आप देखेंगे इनहरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर ठीक है ना तो इनहरेंट पावर है हाई कोर्ट के पास फिर उसमें टू प्रिवेंट ऑफ ऑफ प्रोसेस कोर्ट एंड फॉर एंड ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट कोई भी आदेश पास कर सकती है तो उसमें किसी भी संविधि की तरफ देखने की जरूरत तो उसको नहीं है वो संविधि शांत भी है चुप भी है कहीं पे लूप होल भी है कहीं पे गैप भी है फिर भी इनहरेंट पावर को यूज करते हुए और न्याय की अवहेलना को रोकने के लिए यहां पे हाई कोर्ट कुछ भी कर सकती है चार सौ बयासी सीआरपीसी के अंदर उसी तरीके से अगर संविधान में आप जाएंगे तो दो सौ छब्बीस है भारत के संविधान में आर्टिकल दो सौ छब्बीस आर्टिकल दो सौ छब्बीस में हाई के पास पावर है फंडामेंटल राइट के इंप्लीमेंटेशन के लिए और फॉर एनी अदर पर्पज पर। दो चीज लिखा हुआ है

एटसेट्रा तो इस तरीके की रिट इशू कर सकती है हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट और फॉर एनी अदर पर्पज तो हाई कोर्ट को भी फिर बहुत ज्यादा पावर है यहाँ पे और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाएंगे इसके ऊपर सबसे ओवर एन कोर्ट ऑफ द कंट्री तो उसमें आप देखेंगे आर्टिकल थर्टी टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें फंडामेंटल राइट के इंप्लीमेंटेशन के लिए उनके पास भी पावर है रिट इन द नेचर ऑफ हैस प्रोहबिशन के वारंट हो भी इशू कर सकते हैं इसके अलावा बहुत ज्यादा पावर उनके पास है अगर आप देखेंगे आर्टिकल वन फोर्टी टू उनके पास है कंप्लीट जस्टिस क्लाज बोलते हैं आर्टिकल 142 फोर्टी टू कंप्लीट जस्टिस क्लाज संपूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है कुछ भी ध्यान दीजिए तो भारत की न्यायपालिका को बड़ा शक्तिशाली न्यायपालिका मानते हैं अगर आप आर्टिकल 141 में देखेंगे लॉ डिक्लेयर करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बी बाइंडिंग ऑन ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट ध्यान दीजिए तो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बी बाइंडिंग तो सुप्रीम कोर्ट को केवल डिसीजन नहीं देना है भारत की सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद एक सौ इकतालीस के तहत लॉ डिक्लेयर करती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ जूरा मेट्रिक्स जज मेड लॉ जज मेड लॉ हालांकि लॉ बनाना किसका काम है लेजिस्लेचर का अभी हम से शक्ति पृथक्करण में यही बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना लेकिन जब एक सौ इकतालीस आप पढ़ेंगे तो उसमें जज साहब कानून बनाते हैं क्योंकि लिखा हुआ है लॉ डिक्लेयर्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के आप हाइक को देखें यहाँ पे जुडिशियरी को कितना ज़्यादा पावर दिया गया है इवन जुडिशरी में इनैक्ट द लेजिस्लेशन थ्रू जुडिशियल डिसीजन और भारत में आप देखें कि बहुत ऐसे जुडिशियल डिसीजन है जो कानून के बराबर बैठे हुए हैं जैसे आप बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आज भी बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी भी कानून में भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी इन्वेंटेड इन्वेंटेड डॉक्ट्रीन है जो आज भी कानून के रूप में है तो ये क्या है जजमेंट लॉ है तो जज साहब को तो कानून नहीं बनाना था जज साहब को तो केवल जो कानून बना है उसके दायरे में निर्वाचन करना था लेकिन यहां पे जज साहब ने तो कानून बना दिया तो कैसा सेपरेशन ऑफ पावर है आपके पास तो क्या सेपरेशन ऑफ पावर के का वायलेशन है क्या सबको बराबर पावर दिया जाना चाहिए ये सारे क्वेश्चन है जो कभी कभी उठते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगे सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन नहीं है वो अपने दायरे में ही काम कहने का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ पावर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर में सेपरेशन ऑफ पावर की बात है अब जिसको जितना पावर है वो अपने दायरे में काम करेगा जुडिशरी को तो ये पावर है ना कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए काम कर सकती है वो लॉ डिक्लेयर कर सकती है तो संविधान में लिखा हुआ है तो जब संविधान में ही लिखा हुआ है तो फिर उसको दूसरे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है तो ये सारे जो प्रावधान है आप 136 में देखेंगे प्रावधानी अगर आपको मन करे तो आप कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश से पीड़ित महसूस कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सीधे आप उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ये आर्टिकल वन में लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन ठीक है ना विशेष इजाजत से अपील आप कर सकते हैं उसमें हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना अगेंस्ट दी आर्डर ऑफ एनी

क्योंकि ये डेमोक्रेसी कैसे आई है अगर आप इसके थोड़ा और तह में जाएंगे हालांकि डिस्कशन थोड़ा भीतर चला जाएगा मैं उतना डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ अगर आप और अंदर जाएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट से यह डेमोक्रेसी आई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में है जनता एक तरफ राज्य एक तरफ तो जनता और राज्य के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की संभावना किसके पास है राज्य के पास है क्योंकि राज्य जो है स्ट्रांगर पार्टी है तो अगर वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करेगी तो इसमें कौन इसको बचाएगा जुडिशरीज इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो इसको बचाने का प्रयास करेगी तो वो बचाएगी कैसे बचाएगी थ्रो जुडिशियल तो डिसीजन दे करके इसको बचा सकती है तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो जुडिशरी को ये सारे पावर दिए गए हैं ज्यादा पावर है लेकिन जुडिशरी अपने दायरे में काम करती है तो इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल रिव्यू तो जुडिशियल रिव्यू में ये सारी बातें आती हैं जिसमें

की विधियां भी मूल अधिकारों के उल्लंघन में नहीं होगी और संविधान के बाद की विधियां भी मूल अधिकारों के उल्लंघन में नहीं होंगी और अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन में होंगी तो न्यायालय इसको क्या डिक्लेयर कर देगी वाइड डिक्लेयर कर देगी तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू का बड़ा वाइड पावर दिया गया है कोर्ट को बहुत वाइड पावर दिया गया है और इसमें लेजिस्लेटिव एक्शन और एग्जीक्यूटिव एक्शन को नल एंड वाइट डिक्लेयर कर सकती है ठीक है ना तो यह था सेपरेशन ऑफ पावर न्यायिक निर्णय के हिसाब से तो न्यायिक निर्णय में ये जो पहला निर्णय हम लोगों ने देखा जिसमें आसिफ हमीद वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि भाई सभी लोगों को अपने दायरे में काम करना है क्योंकि संविधान में ने सबको अपना अपना दायरा निर्धारित कर दिया गया है लेकिन पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन के आड़ में कोर्ट के पास ज्यादा पावर है और कोर्ट जो है किसी भी आर्गन में हस्तक्षेप कर सकती है इसी तरीके से आपको दिखेगा बहुत ऐसे दिखेंगे केसेस जिसमें इस तरीके की बात है के बहुत आपको दिखे। अब आप आइए न्यायिक सक्रियता और शक्ति पृथककरण का सिद्धांत न्यायिक सक्रियता और शक्ति पृथककरण का सिद्धांत यह भी एक बात है ये जो शक्ति पृथककरण और न्यायिक निर्णय में ही आप इसको देख लें एक है जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल एक्टिविज्म ध्यान दीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता और शक्ति पृथककरण का सिद्धांत अब न्यायिक सक्रियता क्या चीज है अब इसमें आप देखेंगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशियरी अपने दायरे के बाहर चली जाती है ऐसा कुछ लोगों का कहना है हाँ जुडिशियरी बाहर चली जाती है ऐसा कुछ लोगों का कहना है कैसे बाहर चली जाती है ये बड़ा चिंता का विषय है और ये बड़ा दूसरे तरीके का डिस्कशन है जिसमें मैं समअप करूंगा दूसरे तरीके से अब जुडिशियरी बाहर नहीं जाती न्यायिक सक्रियता में एक चीज़ बताऊं लोग कहते हैं कि न्यायिक सक्रियता में ये क्या करते हैं ये लेजिस्लेचर के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं न्यायिक सक्रियता के दायरे में ये क्या करते हैं ये एग्जीक्यूटिव के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है ऐसा नहीं है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है चूँकि इंडिपेंडेंट इसको बनाया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका इसीलिए बनाई गई है और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है। तो ये सारे पावर इनको इसीलिए दे गए हैं जब लेजिस्लेचर अपना काम करने से विरत रहेगा या कार्यपालिका अपना काम करने से विरत रहेगी तो उसमें न्यायपालिका इनके कामों को जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आकर के करेगी तो जुडिशियल एक्टिविज्म को अगर कोई ये माने कि नहीं ये शक्ति पृथककरण का वायलेशन है कई बार इस चीज़ को बोला जाता है एक तो शक्ति पृथककरण का वायलेशन हो गया क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में और कंपेंसेटरी जुरु में रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वायमेंटल जुरू में सुप्रीम कोर्ट ने इतना काम कर दिया कि ये तो काम किसी और को करना चाहिए था जो काम आप कर रहे हैं ठीक है ना तो ये बातें बार बार होती रहती हैं अब देखेंगे आप तो पूरा इन्वायरमेंटल जुरूस्पूडेंस इवाल्व कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर आप देखेंगे पलूटर पेज प्रिंसिपल पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये सारे प्रिंसिपल हैं जो लेट डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने विद इन द ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें गाइडलाइंस है कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे कैसे आप अगर पोल्यूट करेंगे तो पे करेंगे कैसे स्टेट ट्रस्टी है नेचुरल रिसोर्सेज का ये सब उसमें लिखा गया है तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल डिसीजन से आता है अब इस जुडिशियल डिसीजन को हम क्या माने लोग कहते हैं ये तो भाई हस्तक्षेप है कार्यपालिका के और विधायिका के कार्य में क्योंकि ये सारा काम तो उनको करना चाहिए था ये काम आप क्यों कर रहे हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिए गए हैं ये न्यायिक सक्रियता के दायरे में और जुडिशियल रिव्यू के दायरे में पावर दिए गए हैं इसलिए कोर्ट करती है तो इसको मैं नहीं मानता कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है उसी तरीके से रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप देखेंगे डी के बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल नीलवती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा आप देखेंगे रूदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार आप देखेंगे खत्री वर्ष स्टेट ऑफ़ बिहार जिसको भागलपुर ब्लाइंडिंग केस बोलते हैं इस तरीके से लेकिन नंबर ऑफ आप जजमेंट आपको देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कम्पनसेटरी जुड्सपोर्स वॉल्व कर दिया कि अगर स्टेट का कोई भी काम है जिससे टार्ट किसी को कमिट हुआ है और जिससे किसी का घाटा हुआ है तो उसमें स्टेट को कम्पनसेशन देना पड़ेगा लाखों लाखों का कम्पनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दिलाया है भीम सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य तो इसमें आप देखेंगे कई जजमेंट है इसको भी लेकर के होता है कि भाई जुडिशरी क्या करती है तो इंटरफेयर कर रही है किसके अंदर, के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर इंटरफेयर कर रही है ये सारी बातें होती हैं लेकिन इसको भी मैं नहीं मानता है सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट को चूंकि इस आर्गन को ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सबसे अलग बनाया गया है इसलिए इन लोगों के दायरे में हस्तक्षेप करती है तो इसको सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन न मान करके इसको आप ये माने कि अपने दिए गए परिधि के अंदर ये काम करती है उसी तरीके से आप देखेंगे इन्वायरमेंटल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अलावा आप कंपनसेटरी जो की बात करेंगे आप बेल की बात करेंगे आप राइट टू लाइफ में अगर आर्टिकल 21 को देखेंगे तो लाइफ का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ में क्या आएगा तो लाइफ में बहुत कुछ आएगा लाइफ में राइट टू स्लीप इज फंडामेंटल राइट अगर आप रामलीला मैदान का जजमेंट बनेंगे राइट टू स्लीप इज़ फंडामेंटल राइट राइट टू फूड इज फंडामेंटल राइट राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट इसी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत ऐसे राइट टू प्राइवेसी अगर आप देखेंगे जिसमें लॉर्ड अप्पा से लेकर के और पुट्टो सामी से लेकर के कितने जजमेंट हैं मैंने अगर लाइफ के दायरे को हमले चलो तो ये अलग डिस्कशन का विषय है मैंने मैं यहाँ पे ये बताना ये बताना चाह रहा हूँ इस जंक्चर पे कि जुडिशियरी ने जो न्यायिक सक्रियता से आगे बढ़ा है और जो लेजिस्लेचर के कार्य में दखलअंदाजी किया दिया जो एग्जीक्यूटिव के काम में दखलअंदाजी दिया इसको हम दखलअंदाजी न मान करके हम इसको क्या माने कि अपने सीमित दायरे में काम करती है जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदत्त है हम इसको ये ना माने कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है जो बड़ा फ्रिक्वेंटली लोगों के द्वारा कहा जाता है तो आपके इस कॉन्सेप्ट को जो आपके दिमाग में मिसकन्सेपन होगा कि नहीं न्यायिक सक्रियता जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म और ये जो कंपेंसेटरी जुड़ू स्टूडेंट्स है रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इन्वायरमेंटल जुड़ू है या लाइफ के दायरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना आर्टिकल 21 को वहाँ तक लेके चले जाना ये सारा जो दायरा बढ़ा है जुडिशरी ने हस्तक्षेप किया है किसमें कार्यपालिका या विधायिका में तो ऐसी बात नहीं है हस्तक्षेप नहीं किया है ये कॉन्स्टिट्यूशनली कन्फर्ड

हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया वेड एंड फिलिप्स के माध्यम से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया अरस्तु के माध्यम से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया लॉक के माध्यम से और लास्टली मॉटेस्क्यू के माध्यम से तो जिसमें इन लोगों ने बता दिया कि नई कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका अपने अपने दायरे में काम करें भारत के संवैधानिक परिदृश्य में जब हम इसको देखते हैं तो तमाम आर्टिकल्स हैं जो डिमार्केट करती हैं एग्जीक्यूटिव यहाँ से यहाँ तक लेजिस्लेचर यहाँ से यहाँ तक और एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी यहाँ से यहाँ तक तीनों अपने दायरे में काम करेंगे लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगा मैंने आपको कई आर्टिकल रेफर किया जिसमें एग्जीक्यूटिव वाला लेजिस्लेचर में बैठा है और लेजिस्लेचर वाला जुडिशियरी में बैठा है इस तरीके का हम लोगों ने देखा है लेकिन वो चेक एंड बैलेंस है वो कोई वायलेशन नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर का उसी तरीके से जब आप न्यायिक निर्णय की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा न्यायिक निर्णय हैं जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर को इंफेसाइज किया गया है और उसमें बताया गया है कि भाई सभी लोग अपने दायरे में काम करें कोई दूसरे में हस्तक्षेप ना करें लेकिन न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का पावर है और उस जुडिशियल रिव्यू में न्यायपालिका किसी में हस्तक्षेप कर सकती है वो क्वेश्चनेबल नहीं है और लास्टली हम लोगों ने देखा न्यायिक सक्रियता का क्या रोल है सेपरेशन ऑफ़ पावर के थ्रू तो न्यायिक सक्रियता एक इंटैक्ट प्रिंसिपल है जो जुडिशरी को कन्फोर्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका सेपरेशन ऑफ पावर से कोई लेना देना नहीं है न तो इसका कोई विरोध है तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखने का प्रयास किया तो मुझे जो समझ आया कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया और हमारी भाषा आपको समझ में आई होगी और से प्रश्न के सिद्धांत की बात हुई है ये आपको समझ में आया होगा तो इस नोट के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच नमस्कार